हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो जैसा कि आपको दोस्तों मालूम है, आपका जो एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम चल रहा है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। आज 26 जुलाई हो चुकी है, 27 जुलाई यानी कल की डेट में आपके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आंसर क्या आएगी, कट ऑफ आपको जानना होगी, कितना क्या कट ऑफ जा सकता है, वो हम सारी डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले 24 जुलाई की जो शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, ऑल शिफ्ट को बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी सरल थी, और सबसे हार्डेस्ट जो शिफ्ट थी वो क्या थी। और अगर हम पर्टिकुलर उस शिफ्ट का सेफ अटेम्प्ट देखें, या यूं कह लें कि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें कि क्या जा सकता है उस पर्टिकुलर शिफ्ट का, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं खुद 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर दे के आया था, और मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था कि जो फर्स्ट शिफ्ट में है मैथ और रीजनिंग में भाई गजब बवाल मचा दिया था। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे, कुछ तो ऐसे पूछ रखे थे मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे। और सेम चीज़ अभी शुभम सर ने एनालिसिस किया था कल ही, तो उन्होंने अपनी वीडियोज़ में बताया कि जो 24 जुलाई की चार शिफ्ट थी उनमें कंपैरिजन किया, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट नंबर वन पे थी कि फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड थी, उसके बाद फोर्थ नंबर की शिफ्ट थी, उसके बाद थर्ड की, और उसके बाद सेकेंड सबसे इजी शिफ्ट थी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट सबसे हार्ड, थर्ड शिफ्ट हार्ड 24 जुलाई की बात कर रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड जो शिफ्ट थी वो सबसे ईजी शिफ्ट उस दिन मानी गई थी। यहाँ पर आपको देखिए चीज़ें भी दिख रही होंगी कि सबसे ज़्यादा जो कम अटेम्प्ट स्टूडेंट के देखने को मिले वो 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले। और मैथ्स में भी स्टूडेंट्स के द्वारा बोला गया था कि सबसे जो कैलकुलेटिव था चारों शिफ्ट का, जो मैथ सबसे कैलकुलेटिव था, वो फर्स्ट शिफ्ट का ही यहाँ पर कैलकुलेटर आपको देखने को मिला। और अगर हम ओवरऑल देखें कि अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी जो 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट है वो नंबर तीन पर रैंक कर रही है। 28 जुलाई की कोई एक शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट, वो टॉप पर है, उसके बाद एक और है, और 24 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो थर्ड नंबर पर सबसे हाईएस्ट अभी तक की शिफ्ट मानी गई है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने भी बिल्कुल जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं इतने सालों से एग्जाम दे रहा हूँ, 4-5 सालों से, तो उसके बेसिस पर आपको बताया था कि वाकई में काफ़ी जो है टफ ये आपकी शिफ्ट पूछी गई है। ठीक है, तो उसी को लेकर मैं आपको यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट बता देता हूँ, और ओवरऑल जिसके अलावा जो अदर शिफ्ट है उनका भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, बात करें 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की, अगर सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज बताऊँगा, तो यूआर और ओबीसी यहाँ इनका देखिए कट ऑफ जाता है सेम। तो अगर आप यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं ना, तो आपके लिए जो सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, ये मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल आप अटेम्प्ट करें तो आपको हो जाएगा, एक्यूरेट अटेम्प्ट यानी कि बिल्कुल सही सही आपके ये होने चाहिए इतने मार्क्स, तब आपके चांसेस बनेंगे। तो अगर आप यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 62 प्लस मार्क्स सही हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले जाएंगे प्री में। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 62 से कितना होता है आपका 124। अब बोलेंगे भाई इतना तो कट ऑफ नहीं आता, लगभग कट ऑफ जाएगा 128 प्लस जाएगा, 128 से कितना भी प्लस जा सकता है, 130, 132, 135, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना ही जाएगा। अब 124 पे कैसे हो जाएगा, तो बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन करती है एसएससी बहुत खतरनाक लेवल पर, 10-10 से 20-20 नंबर तक तो बढ़ा देती है। लास्ट ईयर मेरे खुद 10 नंबर बढ़े थे, है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि 124 प्लस करके आए, 124 में 62 को बेस मान रहा हूँ, तो 124 से अगर 5 नंबर भी तो 129 हुए, और कट ऑफ वहीं 130 के आसपास आपको ओवरऑल देखने को मिली। वो मैं आपको जब एग्जाम ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, आंसर की वगैरह कब आएगी, मींस में क्या होगा, जीके की क्लासेस आपके लिए चला करने वाला हूँ मींस के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यूआर ओबीसी 62 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो 58 प्लस अगर आपकी अटेम्प्ट है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में 56 प्लस आपके अटेम्प्ट हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और एसटी कैटेगरी के 52 प्लस हैं, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में अदर माने जाएंगे 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का। और अगर हम बात करें इसी वे में कि फोर्थ शिफ्ट का क्या होगा, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट थी, तो सिमिलरली आप यही मान सकते हैं, सिमिलरली पॉइंटों में अंतर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता। अगर फोर्थ शिफ्ट के भी हैं तो भी आप यही कट ऑफ मान के चले। इसके अलावा आती है थर्ड शिफ्ट, क्योंकि थर्ड शिफ्ट तीसरे नंबर की थी। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट की बात करें, तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, तो 65 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ओबीसी से भी 65, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 60 प्लस अटेम्प्ट आपके होने चाहिए। वहीं एससी से हैं तो 58 प्लस, और एसटी कैटेगरी से हैं तो 55 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए 24 जुलाई की थर्ड शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट सबसे ईजी थी, तो अगर इसकी हम बात करें, तो यूआर और ओबीसी वालों को कम से कम भाई 66 प्लस तो आपके होने चाहिए, है ना, 66, कोई ईजी है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाए, तो वहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए 66 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट हैं एक्यूरेट, तो आप बिल्कुल 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में पास हो जाएंगे, है ना, ओबीसी और यूआर। ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो 61 प्लस या 62 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले जाएंगे। एसटी कैटेगरी में
59 प्लस या 60 प्लस अगर आपके हैं, 59 है इवन तब भी काम चल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 57 से 58 अगर आपके प्लस जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। तो ये मैंने आपको 24 जुलाई को ओवरऑल बता दिया। सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी, मैंने उसका आपको पूरा डिटेल में बता दिया। बाकी आपके लिए मेंस के लिए जीके की क्लास लेने वाला हूँ और CHSL के एडमिट कार्ड डाउट हो चुके हैं, वीडियो देख लेने डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाइए एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और एग्जाम बताइएगा आपका कब है। और आने वाले वीडियोज़ में कल एग्जाम कंप्लीट है, आगे की डिटेल दूंगा कैसे मीन्स होगा, आंसर की कब आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, रिजल्ट कब आएगा, सारा विद फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।